राजनीतिक किस ढंग से चुनाव को प्रभावित करती हैं, जरा बताइए। धन्यवाद राजीव जी। योजनाएं ही मतदाताओं को प्रभावित करती हैं, अन्य कोई बात नहीं प्रभावित करती। गवर्नेंस ही लोगों को प्रभावित करती है। अगर आप जनता से जुड़े हुए सवालों के प्रति सतर्क हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं। आज अगर इतने सालों के बाद, 5 साल की सरकार के बाद भी, और राजस्थान की राजनीति में कई वर्षों के बाद, अगर आज एंटीन कंपनी ये नहीं हो रहा है कि बदलाव करना जरूरी है, मतलब ये सतह पर नहीं दिख रहा है। सरकारों से लोगों की नाराजगी होती है, अगर ये सतह पर नहीं दिख रहा है तो यह केवल और केवल योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिला। और ये योजनाएं ऐसी नहीं है जो कल लागू हुई हैं या चुनाव की घोषणा के बाद लागू हुई हैं, ये लगातार चल रही हैं। अगर लोगों को बिजली में राहत मिल रही है, जो राज्य कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन योजना सरकार ने लागू कर दिया, 25 लाख की चिरंजीवी योजना पर लागू महीनों से चला रहे हैं, सालों को चला रहे हैं। अगर वो गैस का 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देने की बात हो, लंबे समय से उसको लागू किए हुए हैं, ये कार्यक्रम लागू हैं। आप याद कीजिए कि लंपी जब महामारी फैली हुई थी जान पशुओं की, क्या स्थिति थी पूरे देश भर में, उसमें भी अगर कामधेनु योजना चला करके गहलोत सरकार ने किसानों को राहत दिया। हालांकि उसमें नाराजगी लोगों के अंदर है, लेकिन ढेर सारे लोग ऐसे जिनको राहत मिली है जी। और जब ये नए घोषणा पत्र लेकर के आए हैं, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि हम कामधेनु योजना लागू करेंगे और उसको व्यापक बनाएंगे। अगर आपने गवर्नेंस दिया और आपने एक नई घोषणा लेकर के आए, घोषणा पत्र में मैंने बीजेपी और कांग्रेस की घोषणा पत्र की आप तुलना कर लीजिए। बेरोजगारी के सवाल पर बीजेपी कहती है कि 2.5 लाख सरकारी नौकरी देगी, कांग्रेस क्या कहती है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देगी जिसमें 4 लाख सरकारी देंगे 5 सालों में। आपका आश्वासन और कांग्रेस का आश्वासन कहां बैठता है? आप कहते हैं कि 450 रुपये में आप गैस का सिलेंडर देंगे, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, कांग्रेस ने क्या कहा है? और 450 रुपये का किसको देंगे आप, जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं? कांग्रेस क्या कर रही है कि हम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तो देंगे ही देंगे, रेखा के नीचे आने वाले सभी परिवारों को देंगे, जो फूड सिक्योरिटी जो परिवार शामिल है उनको भी देंगे, और आने वाले दिनों में इसको हम 400 रुपये में देंगे। एक उसको उन्होंने व्यापक कर दिया और 400 रुपये का आश्वासन भी दे दिया। वो ये कहता, उन्होंने बेरोजगारी के लिए सोचिए कि उन्होंने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपये ब्याज रहित देंगे, आप तो आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। आप जो किसानों से संबंधित मामले उसके बारे में आप बात भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। आप कांग्रेस कर रही है कि हम 10,000 रुपये महिलाओं को आर्थिक सहायता देंगे प्रतिमाह। आप सवाल इस बात का ना कि अगर आप बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, आप किसानों के साथ खड़े हैं, आप महिलाओं के साथ खड़े हैं, चिरंजीवी योजना जिसका भी आपने क्लिप दिखाया, ये सामान्य घटना है, ये सामान्य योजना है। जिनके घर में राजीव जी बीमार पड़ जाता, कोई सामान्य बुखार हो जाए, उससे पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। डॉक्टर के यहाँ जाना, डॉक्टरों की दवाओं की कीमतें, जो पैथोलॉजी की जाँचें हैं उनकी कीमतें, लोगों का बजट बिगड़ जा रहा है। और जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और जिनके पास निश्चित आय नहीं है, उनके ऊपर क्या बीतती है? ऐसे में उसके बाद इन्होंने इसमें एक जो सबसे बड़ा एक कर दिया कि IVF के जो लाभार्थी हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया। इसमें जो निसंतान दंपतियों के लिए कितनी बड़ी राहत है, या उनसे पूछे जिनके ऊपर बीतती है ये, या ये पूरे का जो मेडिकल प्रोसेस है इसका, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 100% सफल ही हो जाएगा। और कम से कम 10 लाख रुपये खर्च होते हैं, 10 लाख रुपया खर्च करने के बाद, 12 लाख रुपया खर्च करने के बाद पता चला कि आपका पूरा का पूरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। उसको भी उन्होंने शामिल कर लिया अपने पास। और ये केवल आश्वासन नहीं है, अगर आप राजस्थान में घूम रहे हैं आपको ये पता होगा कि लगभग हर महत्वपूर्ण स्थान पर चिकित्सा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको राजस्थान की सरकार ने डेवलप किया पिछले 5 साल। यानी कि अगर आप जनता के बारे में सोचेंगे तो ही जनता आपके बारे में सोचेंगे। और यह जो गवर्नेंस का मामला है, कारण से अशोक गहलोत के खिलाफ एंटीन कमसी नहीं दिख रही है। बदलाव होता रहा है वहां राजस्थान में, भारतीय कभी किसी उसको नहीं अपने पास लिया पाई, लेकिन बाकी चीजों के साथ तो नहीं रहा। कांग्रेस अपने आप को दोहराती रही, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत के बाद देश की कांग्रेस द्वारा आने की स्थिति में मनाया लोगों के बीच में।
तो आप केवल कार्यक्रम केवल और केवल कार्यक्रम और नीतियां हैं जो लोगों को आपके साथ जोड़ती हैं और आपके आकर्षित करती हैं, और इन्हीं आधारों पर आप जनसमर्थन हासिल कर सकते हैं। अगर आप केवल भावना चाहें कि आपके पास लोग कर जाएगा, भावनात्मक आधार पर घोषणा करें कि आपको जनसमर्थन मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता है। अगर आप और दूसरी चीज, आप विपक्ष में नहीं है, आप अपने विरोधियों की आलोचना करके लोगों के साथ आप जुड़ नहीं सकते हैं। आना पड़ेगा कि हम सरकार में हैं, हमने ये किया है, आने वाले दिनों में हम ये करेंगे। अगर आप 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो क्या राजस्थान का नागरिक यह नहीं सवाल पूछेगा कि उन राज्यों में आप दे पा रहे हैं क्या जहां पे आप पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा है? और सिलेंडर देना राज्य सरकार का काम तो है नहीं, ये तो केंद्र सरकार का काम है। तो क्या केंद्र सरकार पूरे देश के पैमाने पर इसको लागू करने के लिए तैयार है? लागू कर रही है वो, और अगर वो लागू नहीं कर पा रही है तो क्या आपके आपके आश्वासन पर क्यों कैसे लोग भरोसा करेंगे? आप निश्चित रूप से कन्हैयालाल की हत्या एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या थी, एक उसके ऊपर से विचार होना चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान सरकार के ऊपर तोहमत लगा करके आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं? क्या उस हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं? या अगर आप ये कहने की स्थिति में हैं तो आपको बाइक बताइए। कल आपने प्रधानमंत्री जी ने कल एक रोड शो किया जयपुर में, ये कहा जा रहा है कि उन इलाकों से उन्होंने वो गुजरने का उस रोड मैप में था जहां पे 2008 के दौरान विस्फोट हुए थे। बिल्कुल बात है, ये लोगों के स्मृति में होना चाहिए। लेकिन बीजेपी को ये भी बताना पड़ेगा कि 2008 के उन विस्फोटों के बाद 2013 में बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई, उसने क्या किया? पूरे खंड का पर्दा किया जी। क्या उसमें जो पीड़ित लोग थे उनको राहत पहुंचाने क्या किया राज्य सरकार ने? क्या अगर आप इसका विवरण, इसका उल्लेख आप नहीं करते हैं तो केवल उन इलाकों में जाने मात्र से लोग आपके 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 प्रति आश्वस्त हो जाएंगे? योजनाएं ही आपके आप लोगों को आपके साथ जोड़ती हैं, किसानों के साथ जोड़। अगर एमएसपी का कानून कांग्रेस कर रही है तो किसान क्यों छोड़ देगा आप कांग्रेस को? आप एमएसपी बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसानों को कोई राहत देने की बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिन योजनाओं के साथ कांग्रेस जा रही है और इन योजनाओं को ये भी बता रही है कि हम राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया उसको बेहतर कर रहे हैं, और कर्नाटक में जहां हमने सरकार बनाई है वहां लागू करके आ रहे हैं, क्या ओल्ड पेंशन योजना सामान्य योजना है? आप अपने संकल्प पत्र में उसकी चर्चा तक नहीं करते। वो ओल्ड पेंशन योजना किसको देना है भाई? राजस्थान का जो नागरिक उसी को दे रहे हैं यार, कोई बाहर का नागरिक है। अगर वो सरकार ये कह रही है कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में हम रोजगार की बात करेंगे मनरेगा के तहत और ज्यादा से ज्यादा दिन में कार्य दिवस सृजित करेंगे, मुझे लगता है कि जनता से जुड़े हुए सवालों को संबोधित करके और जो योजनाएं जो लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए है, महंगाई का समाधान करने के लिए है या महंगाई से राहत देने की जो कोशिश है, ये प्रभावित करती है लोगों कोई भी इलाका हो। और राजस्थान तो निश्चित रूप से, राजस्थान तो शहरी और ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त का भेद है, और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बना पाई है, जिससे कहा जाए कि कैंटीन कंपनसी है और लोग बदलाव चाहते हैं। और यह केवल नारे से नहीं होता कि हमेशा बदलाव होता रहा था, कई राज्य ऐसे हैं जहां बदलाव होता रहा नहीं हुआ, लोगों ने उन सरकारों को चुन लिया, दोबारा बैठाया अपने पास, स्वीकार किया, उनको सत्ता में लेकर के चले आए। केरल आपके सामने उदाहरण है, वहां भी तो सरकार बदलती रही है, कहां बदली? लोगों ने वामपंथी सरकार को वापस लेकर के आए, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। केवल योजनाएं हैं, उन्हीं का लाभ मिलना है। और प्लस अशोक गहलोत का एक एक एक, एक करिश्माई व्यक्तित्व है, अभी भी सर्वाधिक पॉपुलर नेता है वो, और उनको लेकर के कोई